पार्टियों के दामन को छोड़कर विकास, तरक्की, रोजगार, रोटी को दलों और चुनाव की का मुख्य मुद्दा बना दिया, सरकार चुनने और बदलने का मुख्य मुद्दा बना दिया, नफरत और बंटवारे की 6 साल से मार झेलते हिंदुस्तान के लिए यह एक नया सबक है कि डर, भय, विभाजन, बंटवारा उसकी राजनीति नहीं चलेगी। हिंदू हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, ये राजनीति का अंत हो गया, 6 साल चल चुकी। अब विकास, तरक्की, रोटी, रोजगार, फसल के दाम, उद्योग धंधे, इसकी राजनीति चलेगी। भाजपा और जदयू ने इस चुनाव को बुनियादी मुद्दों से भटकाने की काफी कोशिश की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चुनाव को जाति धर्म में बांटने का भरसक प्रयास किया, यहां तक कि वो पाकिस्तान की शरण में भी चले गए। और तो और, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने ओवैसी जैसे अपने तोते को बंटवारे की स्क्रिप्ट देकर सीमांचल में भी उतारा, मगर जनता ने जदयू और भाजपा के तोते उड़ा दिए। नीतीश बाबू ने तो हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं। नीतीश बाबू ने तो तीसरे चरण के चुनाव की वोट पड़ने से पहले ही इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता जदयू भाजपा की हार स्वीकार कर ली है। पर जान लें कि जदयू भाजपा का टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व, जिन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा भी कर डाली है, वो बिहार को कभी हरा नहीं पाएंगे। बिहार कभी हारा नहीं, बिहार सदैव जीता है और बिहार महागठबंधन के साथ फिर जीतेगा। अच्छा होता आदरणीय नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी बिहार वासियों से बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा करने के लिए माफी मांगकर रिटायरमेंट लेते तो और ज्यादा परिपक्वता दिखती। नीतीश और मोदी जी की जोड़ी लाख नफरत, नकारात्मकता, निराशा और बंटवारे का राग अलापते रहे, मगर बिहार ने नीतीश और भाजपा सरकार से 15 सालों में भीषणतम बेरोजगारी, किसान की दुर्दशा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के अंधकार, गर्त में गई अर्थव्यवस्था और चौपट हुए उद्योग धंधे, उनका हिसाब मांगा ही, साथ में बिहार के चप्पे चप्पे को कचरे में तब्दील कर देने, पानी को प्रदूषित कर देने, किसान को फसल की दाम से वंचित करने, मुंगेर में दुर्गा माता के भक्तों का नरसंहार करने, इन बुनियादी सवालों का हिसाब मांग साथियों बेहिसाब कर दिया। प्रदेश की जनता ने 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को बिहार का भविष्य संवारने की दिशा में 2 ठोस कदम बढ़ाए हैं। अब अंतिम और तीसरा कदम महागठबंधन की प्रचंड बहुमत की जीत सुनिश्चित करेगा, जो बिहार के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होगी और एक नया रास्ता भी। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। आपको क्या लगता है राजीव जी कि नीतीश कुमार ने एक इमोशनल कार्ड खेला है थर्ड फेज के ठीक पहले? अगर शायद चुनाव के पहले कहे होते ये बातें तो शायद फायदा होता, या वाकई नीतीश कुमार अब चुनाव छोड़ना चाहते हैं, राजनीति छोड़ना चाहते हैं? आपके आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। अगर आदरणीय नीतीश बाबू को हार सामने नहीं दिख रही होती तो वो चुनाव से पहले ही ये बात कह देते। हम उनकी लंबी दीर्घायु, लंबी उम्र
और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पर एक कटु सत्य है साथियों, जब बिहार के लाखों मजदूर पांव में फफोले लिए, परिवार को गोदी में लिए, सब कुछ लुटाकर बिहार वापस आ रहे थे, तो इसी अहंकारी नीतीश सरकार ने उनको धक्के मारे और बिहार में आने से रोक दिया था। याद करिए वो मंजर, जब लाखों मजदूर वापस आ रहे थे तो यही अहंकारी, अहंकार की आखिरी सीढ़ी पर बैठी नीतीश सरकार ने यह कहा कि बिहार के मेहनतकश लाखों लोग जो वापस आए हैं वो प्रदेश में कोरोना फैला रहे हैं। याद करिए जब बिहार का मक्का पैदा करने वाला किसान 1850 रुपए के समर्थन मूल्य का अपना अधिकार मांगता है, तो यही नीतीश सरकार उसे धक्के मारकर 800 और 1000 रुपया क्विंटल में बेचने को बेजार करती है। जब बिहार का धान पैदा करने वाला किसान 1850 और 1888 रुपया क्विंटल का भाव मांगता है, तो बिचौलियों की गोदी में बैठी जदयू भाजपा सरकार उसे 1000 रुपए में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करती है। जब बिहार का गुणी शिक्षित पढ़ा लिखा हुनर वाला नौजवान जात और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर रोजगार मांगता है, तो 5 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए इसी नीतीश सरकार ने उनका अपमान और मजाक उड़ाया है। और जब नीतीश बाबू की सभाओं में नौजवानों ने रोजगार मांगा तो उन्होंने उन्हें धक्के और अपमान दिए। अगर ये वो ना करते तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। हम केवल ये कहेंगे, शुक्र है तीसरे चरण की वोट से पहले आपने हार तो स्वीकार की। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने जितना बिहार का नुकसान किया है शायद 73 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। पर आज पीछे देखने का दिन नहीं। नीतीश बाबू जी रिटायर हों, उनका जो तजर्बा है वो अच्छी बात, उनकी बुरी बातें हमें ना दें, वो भाजपा को दें। कोई अच्छी बात हो तो महागठबंधन के युवा मुख्यमंत्री को बताएं। हम किसी से भी अच्छी बात स्वीकार करेंगे क्योंकि हम सबका आदर करते हैं। कैन आई फर्स्ट गो टू हिम, मैं इसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। दो हारी हुई पार्टी एक दूसरे का वध करने में लगी हैं। दो हारी हुई पार्टी मिलकर बिहार के लोगों को भ्रम जाल में डालने में लगी हैं। दो हारी हुई पार्टी समझती हैं कि वो बिहार के लोगों का बेवकूफ बना सकती हैं। नीतीश बाबू एक सेक्शन को एक भाषा बोलते हैं और उसी जुगत के तहत, ये एक षड्यंत्र है सांझा, उसी जुगत के तहत आदित्यनाथ एक सेक्शन को एक और बात कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा बंटवारा और विभाजन, भय और नफरत, इनका भ्रमजाल और षड्यंत्र नहीं जीत पाएगा। ये जो जुगलबंदी नीतीश बाबू और अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ की है, क्या नीतीश बाबू बिहार की जनता को इसका जवाब देंगे? अगर वो भाजपा से सहमत नहीं तो कहें कि वो आज फिर भाजपा छोड़ते हैं, और अगर वो भाजपा से सहमत हैं तो कहें कि अजय सिंह बिष्ट गलत है। दोनों बातें दोस्त सही कैसे हो सकती हैं? ये है बिहार को बेवकूफ बनाने का जदयू भाजपाई भ्रमजाल, जिसे भाजपा और जदयू कभी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि बिहार ने ऐसे बड़े भ्रम जाल तोड़े हैं। ये मायावी जाल भी 10 तारीख को टूट जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से सूचना मंत्री नीरज कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को जो कार्यकाल उनका पूरा हो गया है, तो वो राज्यपाल से अपील भी की गई है कि उनको अब उनके पद से बर्खास्त करें।
आदरणीय साथी, अब तो जदयू और भाजपा का ही कार्यकाल पूरा हो गया तो शायद अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आई विल कम टू सर। सर एक बार मुझे बिहार पर आ जाने दीजिए, महाराष्ट्र भी चलेंगे। वो पीछे से कोई पूछ, आई विल कम टू यू सर। सौंधी खुशबू आ रही है। अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ एक भाषा और बाबू नीतीश कुमार एक और भाषा क्यों बोलते हैं? अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो भाजपा की बी टीम के तौर पर ओवैसी और बसपा और आरएलएसपी को क्यों उतारते हैं? अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो युवाओं को अपनी सभाओं से धक्के क्यों लगाते हैं? अगर वो विकास की राजनीति करते हैं तो फिर वो जात और धर्म के बंटवारे की बजाय विकास और तरक्की का एजेंडा क्यों नहीं दे पाते हैं? इन बातों का जवाब भी दे दीजिए। सर ओके, लेट हिम, ही इज बीन रेजिंग, आई विल कम टू यू। मतदान के प्रतिशत को लेकर के जैसे एनडीए के लोग गौरवान्वित हैं, खुश हैं कि भाई महिलाओं का पोल ज्यादा हो रहा है, क्या इससे इंडिकेशन ये नहीं लगता है कि पुरुषों का पलायन हुआ जिसके कारण पुरुषों का पोल कम हुआ, महिलाएं अकावत हैं? आदरणीय साथी, को लेकर के जैसे पलायन हुआ कहीं कहीं वो चार्ज तो नहीं कर रहा जी? आदरणीय मित्र, आपने बड़ा सार्थक सवाल उठाया और मैंने कल ही पलायन को लेकर आंकड़े जारी किए थे, क्योंकि मुजबानी जमा खर्च गलत है। और जो एक सर्वे की रिपोर्ट आई उसने ये बताया कि बिहार देश का अकेला ऐसा प्रदेश है जहां 50% परिवारों का एक सदस्य राज्य से बाहर जाकर काम करने को मजबूर है। तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज मिलकर इसको बदलेंगे। आज भी जो हमारे मजदूर भाई वापस आए, 22 अक्टूबर का भारत सरकार का वेब पोर्टल ये दिखाता है कि 45.5 लाख मजदूरों को काम मांगने से मनरेगा का काम नहीं मिला और बाकी जिन्हें मिला उन्हें 100 में से 34 दिन का काम ही मिला। सर्वे की रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि मुफ्त राशन जो मिलना था वो यहां बड़ी बड़ी शेखियां प्रधानमंत्री जी बघार गए हों और पत्र कितने भी लिख लें, पर केवल 12% को मिला, यानी 88% को मुफ्त राशन मिला नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे की रिपोर्ट्स कह रही है। तो ऐसे में हमारी बहनें हमारी बेटियां करें तो क्या करें? और 3.5 लाख परिवार जेलों के अंदर पड़े हैं क्योंकि माफिया राज हावी है। शराब माफिया नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की सरकार के संरक्षण में 20,000 करोड़ का नजायज धंधा करता है। तो आखिर में यह सारा गुस्सा हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारे बुजुर्गों, उनके जोश के अंदर उसकी अभिव्यक्ति होनी स्वाभाविक थी। आदरणीय साथी, डबल धोखे की सरकार के बचाव के लिए 40 पेज का पत्र क्यों नहीं लिखा? पर प्रधानमंत्री जी के शब्दों की अब कीमत नहीं बची। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में विश्वसनीयता नहीं बची, प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन नहीं बचा। खोखले शब्दों से मजबूत देश और प्रदेश नहीं बना करते मोदी जी, हम केवल आपको ये विनम्रता से कहेंगे। बीजेपी के अमित शाह जी प्रचार में नहीं है क्या? उनका अभाव तो नहीं आ सकता?
वो पाकिस्तान में पटाखे चलाने गए हैं, जल्द आ जाएंगे।